इस बीच आपको बताते हैं, मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी है। चीन दस्तक दे रहा है, देश की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो ये हमें देखना है। चीन दस्तक दे रहा है और ऐसे में सुरक्षा कैसे हो ये हमें देखना है। पूरे हिमाचल क्षेत्र में ये जो प्रकृति का प्रकोप दिखता है, चर्चा करते लोग कि क्या होगा, यहां भी गड़बड़ हुई तो कैसे होगा, कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या? आने वाला होगा तो होगा, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका उपाय करने की बात है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारी उत्तर सीमा इस क्षेत्र से बनती है, हमको सीमा सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। इसमें अगर बदल हुआ तो पर्यावरण का संकट भी है, और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। मृत्युंजय, आपके पास मैं आ रही हूं। चीन की जो चुनौती है उसको लेकर भी बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए मोहन भागवत ने जिस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर बात की, उसमें जो भारत के सामने दो चुनौतियां हैं उस पर उन्होंने खुलकर बात की। एक चुनौती है चीन से मिलने वाली चुनौती, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, और दूसरा है पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौती, और ये दोनों हिमालय की गोद में ही छिपे हुए हैं। ऐसे पर मोहन भागवत ने इसका जवाब भी दे दिया है कि हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए, यानी कि पिछले 75 साल की जो हमारी दशा दिशा रही है हिमालय रीजन को लेकर, चाहे पर्यावरण हो चाहे सुरक्षा हो, उसको लेकर रणनीति में बदलाव की जरूरत है, या फिर हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम अपने देश को भी सुरक्षित रख सके और पर्यावरण के लिहाज से भी हम सुरक्षित रहें। जिस प्रकार के पिछले साल भर में हम देखे, या इस मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हुई, भूस्खलन की, उत्तराखंड में हुई, सिक्किम में हुई, तो इसको लेकर भी चिंता जाहिर की, और साथ ही साथ उस हिमालय के पीछे जो दुश्मन बैठा है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की। और साफ तौर पर जब मोहन भागवत विजयदशमी के दिन अपने मन से इतनी बड़ी बात कहते हैं तो ये भारत सरकार के लिए बहुत सीधा मैसेज होता है, यानी मोदी सरकार के लिए मैसेज है कि वो चीन को लेकर सजग रहें, पर्यावरण को लेकर सजग रहें, और इसको लेकर एक अलग रणनीति, अलग विचार बनाएं और उस दिशा में काम करें। तो बहुत महत्वपूर्ण, और यही दरअसल संघ की कार्यशैली है कि संघ की तरफ से जो भी बात होती है वो बिल्कुल खरे खरे अंदाज में की जाती है। जहां तारीफ संघ महसूस करता है होनी चाहिए, वहां खुलकर संघ की तरफ से तारीफ की जाती है, और जहां संघ को लगता है कि देश हित में यहां पर दिशा दिखाने की जरूरत है, वहां उन चुनौतियों को रेखांकित संघ की तरफ से किया जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।